हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं खुसरूपुर के छोटी हसनपुर में, जहां से यज्ञ के लिए यज्ञ यात्रा निकाला जा रहा है। इस यात्रा का महत्व का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ये जो महिलाएं अपने सिर पे कलश रखी हुई हैं, ये गंगा जी जा रही हैं और गंगा जी से जल लाकर यहाँ जहाँ यज्ञ होना है वहाँ पर रखा जाएगा इसी जल को, और इसी जल से यज्ञ के सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। महिलाएं क्यों उठाती हैं कलश, आप जानती हैं कुछ? उठाती हैं कि श्रद्धा भक्ति के लिए, साथ ही साथ ताकि सारी मनोकामना पूरे हो, परिवार खुशहाल रहे, परिवार खुशहाल रहे, समाज खुशहाल, सब। तो ये जो यज्ञ यात्रा है, इसका मकसद होता है कि परिवार, समाज और जो देश है वो खुशहाल रहे, लोग खुशहाल रहें, सुख शांति और संतुष्टि लोगों को मिले। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं इस यज्ञ यात्रा में। चिंता ना करो, कलश अच्छी समय पर है और आज आगे जो भी भगवान बनाने वाला सब ये कलश भी आगे बढ़े हैं। थोड़ा थोड़ा समय है, अशुभ आप सहयोग करने के लिए आ लियो। धन्यवाद। और उसको भी रोक भाई, ट्रैक्टर वाला जी धीरे। अजय जी चलिए भेजिए आप मीडिया वाला क्या बोलेंगे कि कलश से पानी लगे
रखा जाता है तो इससे क्या होता है जितना है पीछे रहिएगा चलिए इधर से चलिए आप सभी महिलाओं बाल समारा निवेदन है जो कृपया सभी महिलाएं करें लगा रहता है आप सभी हमारा मानने में जो सड़क है बार बार में बजाने जाए अशुभारे इसीलिए जो भी हमारे भाई होकर जो भी सभी समस्याएं हैं समुचल में आ जाए जो भी सभी समस्याएं हैं समुचल में आ जाए राम नाम से जाने वाले भाई आए हैं राम नाम से जाने वाले भाई आए हैं जो भी अपने कर्तव्य को सजा ले पढ़ाई करती हो? हाँ। कितने में? 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में तो ये जो कलश आप ले जा रही हो क्यों ले जा रही हो? इसके मन में श्रद्धा था इसलिए ले जा रही हूँ, भगवान के ऊपर विश्वास है। क्यों? भगवान के ऊपर विश्वास है, मन में श्रद्धा इसलिए ले जा रही है। तो क्लास था फिर भी छोड़ के आई है कि पूजा में हम भी शामिल होंगे। आप इनकी माँ हैं? जी। ये बताइए कि आप जो कलश ले जा रही हैं तो क्या सोच के ले जा रही हैं? भगवान सबको कामना का पूर्ण करते हैं, मेरी भी कामना का पूर्ण करेंगे सदैव, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। भगवान पर विश्वास है इसलिए जा रहे हैं, दिल में आस्था है। गंगा जी जा रहे हैं जल लाने। काहे के लिए जल लाने जा रहे हैं? जग बन रहा है इसी चलते। ये क्या बता रहे? जग में जा रहे हैं संत बाबा के गंगा जल ला के जे जग यहाँ हो रहा है खुशरूपुर में ठाकुरबाड़ी में जग हो रहा है। हाँ। जग हो रहा है कहे के लिए? जग हो रहा है बाबा आए हैं जग कलकत्ता से आए हैं कोई अपना जग करा रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गंगा जी जा रहे हैं बैकटपुर। बैकटपुर में जाने के लिए? बैकटपुर। काहे के लिए जा रहे हैं? कलसा उठाए जब हो रहा इसीलिए। कलसा उठाने का मतलब क्या होता है?
अच्छा होता है। कलश क्यों उठाते हैं? कलश उठाते फेरा पूजा उजा करने के लिए अच्छा रहता है और घर के लिए, बस और क्या होगा, घर और परिवार के लिए। हाँ और तो कुछ नहीं होना चाहिए। और दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में खुशरूपुर छोटी हसनपुर की महिलाएं जो है यज्ञ यात्रा में शामिल हुई हैं। लगभग 500 से ज़्यादा महिला इस यज्ञ यात्रा में शामिल हुई हैं। आप देख सकते हैं सभी अपने सिर पे कलश रखकर गंगा जी की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं और ये फिर गंगा जी से जल भरकर यहाँ छोटी हसनपुर अपने गांव पहुँचेंगे जो खुशरूपुर के नज़दीक है और उसके बाद यज्ञ का कार्यक्रम शुरू होगा। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, खुशरूपुर, छोटी हसनपुर। हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।